नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज़। हम लोग अभी आए हैं हयात होटल में और यहाँ आज कोई घटना हुई है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मौके पर हम लोग जब किसी से बात करने के लिए आए हैं होटल में, तो यहाँ पे हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। कह रहे हैं कि GM साहब आ रहे हैं, तो हमको कम से कम भी आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हमको यहाँ वेट करते हुए, अब तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। कोई भी होटल का कर्मचारी बाहर आके कोई भी स्टेटमेंट हमें नहीं दे रहा है। अभी आगे क्या हो रहा है हम आपको बताते हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं मालवीय नगर थाने में, हयात होटल से कोई मामला सामने आया है, उसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग अभी मालवीय थाने पहुंचे हैं। और अभी हम लोग सीआई साहब से बात करेंगे, क्या वार्तालाप है, क्या बातें हुई हैं। अब परिजनों ने रिपोर्ट दी है, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जांच करेंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं क्या हो रहा है। परिजनों का शक है कि नहीं, शक है तो क्लियर करेंगे ना, उसको मुकदमा दर्ज किया है, जाँच करेंगे, जाँच के बाद ही बता सकते हैं, उससे पहले कुछ नहीं बता सकते। जो पोस्टमार्टम के लिए भेजा है वो कब होगा? हाँ, पोस्टमार्टम करवा देंगे, बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाएंगे उसका। जो भी मामला नहीं, मामला तो हम इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पाएंगे ना। हाँ नहीं, प्रारंभिक तो इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट दर्ज कर ली, अनुसंधान किया जाएगा। और क्या, अभी जो मेडिकल बोर्ड बैठा के ये मांग कर रहे हैं, हम मेडिकल बोर्ड से कराएंगे पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। हाँ, जो भी रहेगा सारी करवा देंगे। हयात होटल में स्टाफ के साथ जो अभी हुआ है, वो मामला जो सामने आया है, थोड़ा उसके बारे में बताएं हमें। सर, मैं उसका मामा बोल रहा हूँ, मैं नैनीताल हल्द्वानी से आया हूँ। कल सूचना मिली है, करीब मेरे को 12 बजे सूचना मिली है अस्पताल से कि आपकी भांजे की डेथ हुई है। मम्मी के पास फ़ोन किया था उसकी, वो भी अस्पताल में, अस्पताल वाले ने नहीं किया था, कोई उसके साथ वाले ने किया था। तो हमने पूछा तो फिर यहाँ पता किया, उनने कहा भी रात को दारू पी के आया था अस्पताल में, तो हमने इसको बाहर कर दिया गेट से। होटल में दारू, हयात होटल में दारू पी के आया था, हमने इसको बाहर कर दिया। ज़्यादा ड्रिंक करेगी तो हमने ड्रिंक वालों को हम रख लेते नहीं हैं, हमारे नियम होता है ड्रिंक जो करता है हम अस्पताल में ड्यूटी नहीं देते हैं उसको। हमने कहा ठीक है सर, तो फिर हमने कहा क्या हुआ, इनने बोला सर ये रोड में पड़ा होता, सामने कहीं पड़ा होता, किसने बताया कि ये सामने गिरा हुआ है, तो हम इसको चार लोग ऑफिस का स्टाफ गार्ड वाले जो भी, कार गई ऑफिस की, कार गई हयात होटल की, कार गई वहीं से ऑफिस की, तो इनने इसके रूम में नहीं छोड़ के इसके दोस्त के रूम में छोड़ा है इसको। आपकी होटल में किससे बात हुई थी? होटल में एक GM, AGM और सिक्योरिटी मैनेजर और एक क्या नाम है इसका, एक रावत करके लड़का है, नाम याद नहीं आ रहा है, एक कमल। क्या मामला हुआ था, ये मामला क्या हुआ है, मतलब कैसे झगड़ा हुआ किसी से, ये क्या हुआ था? मामला संगीन लग रहा है हमको, डाउट लग रहा है कि ये कुछ इसके साथ हाथापाई या गलत हुआ है अस्पताल की, ये होटल के अंदर, हयात होटल के अंदर। आपका कहने का मतलब है कि मर्डर हुआ है? हाँ सर, क्योंकि स्टाफ हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है सर, हर स्टाफ अलग अलग अपनी वो दे रहा है, सफाई की बयान दे रहा है कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि मतलब किसी भी स्टाफ का स्टेटमेंट सेम नहीं है, सबका अलग अलग है। और सर, हमने आज CCTV फुटेज चेक करे तो वो ये बोल रहे थे कि पिया हुआ था, हमने इसको ड्यूटी करने से मना कर दिया, लेकिन वो उस दिन पूरी ड्यूटी करके गया है सर, बिल्कुल पिया हुआ नहीं था, हमने उसको देखा पूरा। CCTV फुटेज आपने देखा? हाँ सर, अभी देख के आया हूँ मैं, अभी दिखाया, बड़ी मुश्किल के बाद अभी दिखाया उनने, हमने कहा सर दिखा दीजिए नहीं तो हम पर कार्रवाई कर रहे हैं DM SDM के ऊपर, मुख्यमंत्री से, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हमारे MLA मोहन सिंह बिष्ट जी का फ़ोन आया यहाँ पे, तब जाके हमको CCTV और TV फुटेज मिली और पत्रकारों की सहायता ली हमने, अपने रमाकांत गोस्वामी जी, उनने बहुत सहयोग दिया हमारा, उनके सहयोग से सुबह से। सर डाउटफुल, क्योंकि हर किसी कर्मचारी के बयान अलग अलग बताए जा रहे हैं, कि कोई कह रहा है कि दारू पी के आया था हमने बाहर कर दिया, वो भी नहीं है, कोई कह रहा है ये ड्यूटी में नहीं आया था, वो भी, कोई कह रहा है 2 बजे तक ड्यूटी था, पूरी रात भर ड्यूटी करी है उसने। तो अभी क्या है, अभी FIR किया है? सर हमने अभी पुलिस से FIR कर दी है, अभी बड़ी मुश्किल से हमारे FIR हो चुकी है थाने में, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, अभी कॉपी नहीं मिली है परमानेंट। और इसमें एक चीज़ और भी है, हाँ इसमें एक चीज़ और भी है, स्टाफ द्वारा जो विभिन्न अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ दी जा रही हैं, स्टाफ का कहना ऐसा है, इसमें कोई स्टाफ कहता है कि इनकी लड़ाई हुई थी, कोई स्टाफ कहता है ये खाना खा के गया था, कोई स्टाफ कहता है ये खाना खा के नहीं गया था। अभी हमने पुलिस प्रशासन को बड़े दबाव बनाकर इसमें वीडियो हमने चेक किया हुआ है, वीडियो चेक करने के दौरान हमको 12 से 15 मिनट का गैप मिला है, जिस बीच में स्टाफ काम कर रहा था, उसके बाद 12 से 15 मिनट बाद उसको ड्रेस चेंजिंग रूम में जाते हुए हमने देखा है, जब वो जिस प्रकार से वो बाहर को आ रहा है उस प्रकार से
है, उस प्रकार से हमें ऐसा डाउट होता है कि वो पिया हुआ नहीं है और हमें ऐसा उम्मीद भी है कि वो कोई पिया हुआ नहीं है। और उसके जो दोस्त हैं, हमें उनसे द्वारा बात की गई तो उनका कहना ऐसा है और कि इनकी कुछ लड़ाई, लड़कों के साथ लड़ाई हुई थी। अब ये पूरा मामला हमने आपके हरि सिंह जी जो यहाँ के SHO हैं, हमने उनको ये मामला ज्ञापन दिया हुआ है। कुछ स्टाफ के साथ हम मैनेजमेंट हमें बात करने नहीं दे रहा है। मैनेजमेंट का कहना है कि जब तक आप पुलिस को नहीं लाएंगे हम तब तक आपको बात करने नहीं देंगे। सुबह हम यहाँ 7 बजे आ चुके थे, 7 बजे से हमको गुमराह किया जा रहा है। कोई कार्रवाई नहीं, 7 बजे हमको ये कहा गया कि आप होटल पहुँचिए, आपको वहाँ CCTV फुटेज दिखाई जाएगी। CCTV फुटेज हमको नहीं दिखाई गई। उसके बाद हमारे पास 9:30 बजे 10 बजे फ़ोन आता है कि आप एक काम करिए, चौकी पर आइए, चौकी पर आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। हम जैसे ही रिपोर्ट देने चौकी पर आते हैं और रिपोर्ट लिखते हैं तो हमारे पास SIG का फ़ोन आ जाता है, ज्ञानचंद जी का, कि आप तुरंत हॉस्पिटल पर आइए, आप यहाँ की, वहाँ हम आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। वहाँ की रिपोर्ट लिखने के बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे, आप एक बार बॉडी पे निशान देख लीजिए, उसके बाद आप FIR हमें उस हिसाब से लिख के दीजिए। जब हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ हमको फिर गुमराह किया जाता है। अब वो ये कहते हैं कि SHO साहब जब आएंगे तो उसके बाद ही हम आपकी रिपोर्ट लिख पाएंगे। उसके बाद 12:30-1 बजे के टाइम पर हमको ये फ़ोन आता है कि SHO साहब होटल पर CCTV फुटेज देख रहे हैं। कुछ समय पहले, उस समय तक हमको बताया जा रहा था कि SHO साहब कोर्ट के काम से कोर्ट में हैं। जब हम 1 बजे दोबारा होटल पहुंचे, होटल में थे वो, उस समय होटल में CCTV फुटेज चेक कर रहे थे। हमको कोई संज्ञान नहीं था किसी भी प्रकार का। हमको ये भी डाउट है इसमें CCTV चेंज की गई है या CCTV के साथ कोई खिलवाड़ ना की जाए। हम सरकार, मीडिया द्वारा, समस्त जो मेरे उत्तराखंड के भाई लोग हैं जो उत्तराखंड में से यहाँ दूर दराजों में काम करने आते हैं, मैं भी बहुत टाइम से उत्तराखंड से बाहर आके काम करता हूँ, मैं भी जयपुर में बहुत टाइम काम किया, मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का उत्तराखंड के किसी भाइयों के साथ ऐसा दोबारा ना हो और निष्पक्ष इसमें जाँच हो। होटल कर्मचारी ये बोल रहे थे कि नशे की हालत में था, तो नशे की हालत में था तो उसको अस्पताल ले आते, आपने रूम में क्यों सुलाया उसको, उसके रूम दोस्त के रूम में सुला के चले गए, क्यों उसके रूम में नहीं सुलाया उसको, उसके दोस्त के रूम में सुला के चले गए। नशे की ड्रिंक करा हुआ नहीं था, लेकिन वो ये कह रहे ड्रिंक था, हमने इसको वहाँ सुला दिया। हमको न्याय चाहिए, जो भी है निष्पक्ष जाँच चाहिए, जो भी हुआ है उसका पूरा हमको वो चाहिए, निष्पक्ष जाँच चाहिए जो जो हुआ है यहाँ पर। मैं मामू हूँ सर उसका, उसके पापा 4 साल पहले एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है, एक मम्मी है और मैं ही देख देख करता हूँ उसका, उसकी पढ़ाई लिखाई सब मैंने, मेरे द्वारा कराई गई है। हम इसमें एक चीज़ और भी चाहते हैं कि जो प्रशासन है और जो इनकी ASI टीम रहती है उसके द्वारा इनको परिजन को मुआवजा भी दिया जाए और इस मामले की निष्पक्ष जाँच